1000 रुपयों की खातिर युवक की जान लेने वाला युवक पुलिस के हत्थे चट गया। कोतवाली पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बंटी सुमन और आमिर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे वारदात के दौरान काम में लिए गए चाकू को बरामद करने और पूछताछ करने के लिए मामले में न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया जाएगा। घटना के संबंध में कोतवाली प्रभारी सहदेव मीणा से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी और मृतक नशेड़ी होने के साथ नशे के कारोबार से जुड़े होने से आपस में दोस्त थे, जिनके बीच पैसों के लेन देन के मामले में झगड़ा होने से आवेश में आकर बंटी सुमन और आमिर ने रिजवान पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव में आया आविद नामक युवक को भी चाकू लगने से घायल हो गया था, जिस पर पुलिस ने दोनों को घटना के बाद द्वारकाधीश मंदिर में छुपे होने पर धर दबोचा। कल दिनांक 8/8/2021 को 10:30 बजे करीब की घटना है कि पुरोहित गली 4 बजे मंदिर के वहाँ पर कोई बड़ी घटना हो रही है, जिसमें किसी व्यक्ति के चाकूबाजी हो गई। जिस पर वहाँ पहुँचे थे तो मौके पर पुरोहित गली में काफ़ी ब्लड उलट था। फिर हॉस्पिटल में आए, जहाँ पर एक बहुत सारा रिजवान जिसको यहाँ हॉस्पिटल में लाने के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उस संबंध में उसके भाई अमजद ने रिपोर्ट दिए, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया है, मतलब गया है 302 IPC में, और प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है। दौरान अनुसंधान 2 मुलजिम बंटी स्लोब मिश्री लाल माली निवासी देवपुरा और अमीन स्लोब साहबुद्दीन ये ब्रह्मपुरी का है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।